क्वेश्चन नंबर नाइन, इन हाउ मेनी वेज टू एप्पल्स थ्री मैंगोस एंड फोर ऑरेंजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग थ्री चिल्ड्रन among three children so that each receives none, one or more number of fruits. Two apples and three mangoes and four oranges and ये तीन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपसे कहा गया हर एक बच्चे को जीरो भी मिल सकता है, किसी को वन भी मिल सकता है, वन से ज्यादा भी मिल सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ फ्रूट्स मिल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बताएं कितने इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन, दिख रहे हैं के लिए। अगर दो एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो थ्री चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग टू एप्पल्स वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग टू एप्पल्स विल बी इक्वल। दो एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्री चिल्ड्रन, एप्पल्स अलाइक है, मैंगोस अलाइक, एप्पल्स आपस में डिफरेंट नहीं है जब तक लिखा नहीं है। तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स को, तो एन की वैल्यू यहां कितनी हो गई टू, आर की वैल्यू पर्सन कितने थ्री, फॉर्मूला क्या लगेगा एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन वाला ये लगाइए, तो टू प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन कितना है फोर सी टू मतलब सिक्स। तो टू एप्पल्स को थ्री चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके कि किसी को जीरो भी मिल सकता है, वन भी मिल सकता है, वन से ज्यादा मिल सकता है। वेज क्या होंगे फोर सी टू सिक्स वेज। ऐसे ही नंबर ऑफ वेज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्री मैंगोस, क्योंकि सभी अलाइक नहीं है, एप्पल्स और मैंगोस आपस में अलाइक नहीं, इसलिए सबको एक साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि देर आर टू प्लस थ्री प्लस फोर नाइन ऑब्जेक्ट है और आपने नाइन के लिए फॉर्मूला लगा दिया, तो वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एप्पल्स और मैंगोस डिफरेंट है। क्लियर? तो अब थ्री मैंगोस के लिए भी यही है फॉर्मूला, एन की जगह थ्री हो जाएगा, तो आ जाएगा थ्री प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन फाइव सी टू, फाइव सी टू वैल्यू कितनी मिलते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फोर ऑरेंजेस, ऑरेंजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने कितने तरीके होंगे फोर प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन सिक्स सी टू, सिक्स सी टू वैल्यू फिफ्टीन। तो टू एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के सिक्स वेज है, थ्री मैंगोस के लिए टेन वेज है एंड फोर ऑरेंजेस के लिए 15 वेज। ये तीनों टाइप के फ्रूट हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि कोई भी दो एक टाइप का फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट कर दे, सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, कोई भी अपने पास नहीं रखना है। तो मतलब ये वर्क भी करना है, फर्स्ट वर्क भी एंड सेकेंड भी एंड थर्ड भी। जब सभी करने हो तो क्या होता है, सबसे पहला आर्टिकल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी सिक्स इंटू टेन इंटू फिफ्टीन दैट इज 900। नोट करिए, बताएं कोई डाउट है। क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर आएगा 900। क्वेश्चन नंबर टेन लिखेंगे फाइंड द नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस
of the inequality. X plus y plus z less than or equal to 6. X plus y plus z less than or equal to 6. नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन के लिए. क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इनइक्वालिटी x plus y plus z less than or equal to 6. तो देखिए इक्वल होता तब तो फॉर्मूला लग जाता. जो हमने फॉर्मूला पढ़ा x plus y plus z बराबर 6 है तो फॉर्मूला है हमारे पास. x plus y plus z बराबर n है तो फॉर्मूला है. नॉन नेगेटिव मतलब x y z की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. आर की वैल्यू 3, फॉर्मूला होता 6 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1. लेकिन यहाँ इक्वल नहीं, क्या लिखा है? लेस देन आर इक्वल टू 6. तब उस केस में यह फॉर्मूला नहीं लगेगा. इक्वल टू 6 हो तो फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट. इक्वल बनाना पड़ेगा पहले से फॉर्मूला लगाने के लिए. तो कैसे करेंगे? इसमें अपनी तरफ से एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करिए. x plus y plus z तो था ही, इसमें एक t रख देते हैं जिससे कि ये बराबर 6 हो जाए. हम इक्वालिटी बना रहे हैं. देखिए कैसे इक्वालिटी बना रहे हैं. मैं इसमें एक t ऐड कर रहा हूं, इक्वल टू 6 रखता हूं. अब ये देखिए t की वैल्यू, t अगर 0 लेंगे तो x plus y plus z बराबर 6 आएगा, इसे सेटिस्फाई करेगा. तो t की वैल्यू 0 ले सकते हो. t 1 लोगे तो क्या आएगा? x plus y plus z बराबर 5 आएगा. 5 less than 6 होगा, इसे सेटिस्फाई करेगा. 1 लोगे तो ये वैल्यू 4 आएगी, तब भी सेटिस्फाई होगा. मतलब t greater than or equal to 0 कोई वैल्यू लो, इंटीजर वैल्यू t 0 लो, 1 लो, 2 लो, ये इंटीजर आएगा, less than 6 आएगा. less than or equal to 6 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा. मतलब t की वैल्यू यहां greater than or equal to 0 हो सकती है. और x, y, z की वैल्यू ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब ये इक्वालिटी बन गया. यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं? 4. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे? 6 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 दैट इज 9c3. 9c3 की वैल्यू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6. इसको कैंसिल कीजिए 3 से, 2 या 3 से कैंसिल करेंगे, 4 कितना आ गया? 84. नोट कर लीजिए. सर इसका मतलब ये है कि जब भी इनइक्वालिटी हो तो एक वेरिएबल और ऐड करके सीधा फॉर्मूला लगा दें? सीधा फॉर्मूला नहीं लगा दें, उस वेरिएबल की वैल्यू को देखें कि वो वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी. ठीक है, पहले उसे इक्वालिटी में चेंज करना है और इक्वालिटी में चेंज करने के लिए एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस करेंगे और देखिए उस वेरिएबल की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, क्या क्या होगी. ठीक है, और ये अगर सभी केसेस 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये फॉर्मूला है. 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला है, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है. अगला क्वेश्चन देखिए. फाइंड द नंबर इनइक्वालिटी है तो इसको इक्वालिटी में बनाने के लिए एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करता हूं. एंड द नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी लेस देन 10. नेचुरल सॉल्यूशन मतलब x y z नेचुरल नंबर x y z t मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बनाएंगे. नेचुरल सॉल्यूशन लिखा हो, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लिखा हो.
128 अंश अरोड़ा का मैसेज आया, 128 या 126? 126 है आंसर, तो 126 ही आया होगा। यहाँ क्या है, x y z t ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन है, वन से स्टार्ट होगा ना, 126 ठीक है। तो अब इसमें एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस और कीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस यू ऐड कर लेते हैं, बराबर करते हैं 10। अब देखिए u मैं अगर जीरो लेता हूं, जीरो लेंगे तो 10 आएगा, 10 लेस देन 10 नहीं होता, तो u जीरो नहीं ले सकते। वन लेंगे तो 9 आएगा, 9 लेस देन 10 होता है, मतलब u की वैल्यू 1 ले सकते हो। यहाँ 2 लोगे तो 8 आएगा, सेटिस्फाई करेगा, 3 लोगे सेटिस्फाई करेगा, मतलब u ग्रेटर देन आर इक्वल वैल्यू से यहां भी ले सकते हैं, मतलब x y z t और u सभी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मतलब सभी नेचुरल नंबर्स हो गए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या बोलोगे इसके, 10 प्लस 10 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, क्योंकि नेचुरल सॉल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला, n माइनस 1 सी r माइनस 1, ये ना फॉर्मूला, r की वैल्यू हो गई 5, n की वैल्यू है 10, तो 10 माइनस 1 सी 5 माइनस 1 9c4, 9c4 सॉल्व करना है तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 फैक्टर 24, इससे कैंसिल हुआ 3, इससे कैंसिल हुआ 2, 63 इंटू 2 126, 9c4 की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12, एक 21 less than or equal to x plus y plus z plus t less than 30, क्या है 21 less than or equal to x plus y plus z plus t less than 30, then find the number of, then find the number of non-negative इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कैलकुलेट करो, जो नेगेटिव नहीं है, मतलब जीरो है या पॉजिटिव, राइट। And the number of non-negative integral solutions. दो पार्ट हो गए इसमें, 21 से बड़ा है या इसके बराबर है, और 30 से ले सकते हैं। तो एक एक करके कर लेते हैं, पहला पार्ट x प्लस y प्लस z प्लस t लेस देन 30, इसको सॉल्व करो। अच्छा यहां x y z t कहां से स्टार्ट है बताइए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 से स्टार्ट, बनाइए इसको। इसका क्या आएगा, 29c4 प्रॉपर्टी बता रही है, ठीक है क्या, 29c4 इसी को बता रही है ना, 29c4 तो नहीं है आंसर, कंप्लीट का भी नहीं है 29c4, जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें अगर आप एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे पहले क्या था, यू इंट्रोड्यूस कर दिया, बराबर अगर आप 30 हो तो यू की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, वन रखोगे, टू रखोगे, थ्री रखोगे, वन रखोगे आएगा 29 लेस देन 30 सेटिस्फाई करेगा, टू रखो, या तो आप इस 30 को 29 कर दो तब तो ये जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, या अगर आपने यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लिख दिया तो आप नेक्स्ट स्टेप में फिर लिखोगे लेट यू बराबर
यू वन प्लस वन, क्योंकि सब सेम वैल्यू से स्टार्ट होने चाहिए फॉर्मूला लगाने के लिए। पहले वाले में सभी जीरो से स्टार्ट हुए थे, सेकंड वाले में सभी वन से स्टार्ट हुए थे, सभी सेम नेचुरल नंबर हो या सभी सेम नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो फॉर्मूला लगेगा। अभी यहाँ जीरो से है लेकिन ये वन से, तो आप यू को करिए यू वन प्लस वन, तो यू वन प्लस वन क्या हुआ ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, तो यू वन क्या हुआ ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री। याद रखेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस U1 plus 1, 1 उधर जाइए बराबर हो जाएगा 29। अब ये सभी वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है, ये हो गया n, n हो गया 29, r कितना हुआ 5 वेरिएबल्स, और जीरो से स्टार्ट हो तो फॉर्मूला क्या होता है n plus r minus 1 cr minus 1, तो वो फॉर्मूला लगाइए तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हुए 29 plus 5 minus 1 c 5 minus 1 That is 33C4। देख लीजिए फर्स्ट वाला, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड वाले से अब बनाइए, देखिए सोचिए कि कैसे करेंगे आगे इसके। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछे। वापस ऑब्जर्व कीजिए इसको, चलिए ध्यान से ऑब्जर्व करें। हमने यहां लिखा लेस देन 30, लेस देन 30 मतलब इसकी वैल्यू क्या क्या होगी, इसका सॉल्यूशन है लेस देन 30 होगी मतलब 29 होगी तो सॉल्यूशन है, 28 है तो भी सॉल्यूशन है, 27 भी हो सकती है, अब तो जीरो से, जीरो से लेके 29 तक कुछ भी हो इसका सॉल्यूशन ये है 33C4। इसको सॉल्व किया ये सॉल्यूशन आ रहा है, तो इस इनइक्वालिटी का आ रहा है ना, x plus y plus z plus t की वैल्यू जीरो से 29 तक कुछ भी आए ये आंसर है। लेकिन हमें आंसर में क्या चाहिए, हम चाहते हैं 21 से लेके ये आए 21 आए 22 आए 23 आए 29 आए, लेकिन इससे पहले ना है 20 तक वैल्यू ना है, तो जो 0 से लेकर 20 तक वाला पार्ट है इसमें से, वो इसमें से अगर हम माइनस कर दें इस टोटल केस में से, तो ये आ जाएगा 21 से 30 वाला, इसमें से ये केस माइनस करना है, कौन सा केस, सेकंड व्हेन x प्लस y प्लस z प्लस t इज लेस देन आर इक्वल टू 20। लेस देन आर इक्वल टू 20 में क्या क्या केस आएगा, 20 आएगा, 19 होगा, अब टू जीरो से लेकर 20 तक होंगे, ये जीरो से 20 का केस यहां से अगर मैं माइनस कर देता हूं इस केस में, तो केस क्या बचेगा 21 22 अप टू 29 वही आ गया। इसके लिए फिर वही सॉल्व करना है, इसमें एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दो x plus y plus z plus t plus u कर लो w कर लो बराबर 20। अब यहां इक्वालिटी थी तो w कहां से स्टार्ट होगा जीरो से, जीरो को गए तो 20 हो जाएगा, 1 रखोगे तो ठीक है 19 हो जाएगा, x plus y plus z plus t सेटिस्फाई कर रहा है, और पहले से ही x y z t कहां से थे जीरो से। अब यहां n की वैल्यू 20, r की वैल्यू 5, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलिए क्या होंगे 20 plus 5 minus 1 c 5 minus 1 that is 24C4, क्या आएगा 24C4। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 33C4 माइनस 24C4, 33C4 माइनस 24C4 ये फाइनल आंसर हुआ। देख ले स्टेप्स, कोई डाउट है किसी को तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, तो फर्स्ट पार्ट में हमने u इज इक्वल टू u1 प्लस 1 क्यों लिखा था, u इज इक्वल टू u1 प्लस 1 इसलिए लिखा था क्योंकि यहां पे ये जो u की वैल्यू है 1 से स्टार्ट हो रही और लेकिन बाकी वेरिएबल कहां से स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, तो सभी सेम वैल्यू से स्टार्ट होने चाहिए, तो u की जगह जब मैं u1 प्लस 1 लिखूंगा
तो वन वन कैंसिल होगा तो यू वन जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए यू को किससे रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, यू वन प्लस वन, वन उधर गया 29। अब सभी वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है तो फॉर्मूला लग जाएगा सेम वैल्यू से स्टार्ट होनी चाहिए, जीरो से या वन से, उनके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। और कोई वैल्यू आती है तो उनको हमें जीरो पे कन्वर्ट कर लेना चाहिए या वन पे कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। और सर आपने ये r इक्वल टू 5 कैसे लिखा सर, यहाँ से समझ नहीं आ रहा। सारे वेरिएबल्स हैं ना, 1 2 3 4 5 x y z t u n 5। ओके सर, ओके। नोट करिए और क्वेश्चंस जो होमवर्क दिया जाता है उनकी प्रैक्टिस करें, जो नहीं बने फिर से बनाइए अपने से, ठीक है। सॉल्यूशंस तो आपके पास है ही, रिकॉर्डिंग भी है, आप उनको देख सकते हैं फिर से अगर कहीं कोई रह गया पॉइंट, तो उसके बाद भी अगर कुछ है तो मुझसे ही पूछ सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन जितना इस पे वर्क करेंगे उतना ही बेटर होगा। और जो फॉर्मूले बताए जा रहे उन्हीं पर फिर बेस्ट होमवर्क में जो डीपीपी है उनमें क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट लिखें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर, एनसीआर और एनसीएन माइनस आर बराबर होते हैं। अगर आप एनसी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करो तो वो भी बनाती है, और लास्ट में एनसीएन की कैलकुलेट करो वो भी बनाती है। एनसी वन निकालो तो वो एन आता है, एनसी एन माइनस वन एन आता है। आप सोचो 5c0 कितना है, 1, 5c1 5, 5c2 10, 5c3 कैलकुलेट करो वो भी 10, 5c4 5, 5c5 1, जो वैल्यू पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है। एनसीआर की वैल्यू जी आर जैसे जैसे वैल्यू रखोगे आर आप करते हो 0 1 2 3 अप टू n तक, तो पहले वाली इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, मिड वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्या देखिए ये दोनों इक्वल है, ऑड है तो 5c2 5c3 इक्वल है, इवन है तो 6c3 मैक्सिमम होगा, 6c0 1 6c1 6 6c2 कितना होता है 15, 6c3 20, 6c4 15, 6c5 66, 1, 63 मैक्सिमम। इवन है तो अपान टू कर दीजिए वो इंटीजर मिलेगा आपको, वही मैक्सिमम है। तो एनसीआर मैक्सिमम ऑफ एनसीआर विल बी एनसी एन बाय टू इफ एन इज इवन, एन की वैल्यू इवन है तो मिड वाला पॉइंट, और यही एन ऑड है तो फाइव था तो फाइव माइनस वन फोर बाई टू करो या फाइव प्लस वन बाई टू करो, एन सी एन प्लस वन बाई टू और एन सी एन माइनस वन बाई टू, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, बराबर आएगी एनसीआर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर से, और दोनों ही मैक्सिमम होगी। इसका यूज अगले टॉपिक बाइनोमियल में बल्कि ज्यादा मिलता है, एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यूज कोफिशिएंट मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, टर्म मैक्सिमम कहाँ हो रहा है। फिर भी यहां भी एक क्वेश्चन है, इस पर देख लें, पर्सन हैज 21 फ्रेंड्स, he wants to give as many number of parties, as many number of parties as he can by calling the same number of friends, same number of
Every time. But not all same friends more than once. सभी सेम फ्रेंड्स को नहीं बुलाना है बार बार, कम से कम एक डिफरेंस होना चाहिए, मतलब ग्रुप में एक भी अगर अलग है तो उस ग्रुप को अलग बोले। सेम ग्रुप को मतलब कि मान लीजिए 1, 2, 3 ये तीन फ्रेंड है, इन्हीं को 1, 2, 3 को ही बार बार नहीं बुला, 1, 2 के साथ 4 हो गया, 1, 2 के साथ 5 हो गया चलेगा, या 2, 3 के साथ 4 हो गया, तो ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स को वो कॉल करता है सेम नंबर ऑफ पीपल। फाइंड द नंबर ऑफ friends. He should call at a time. For number of parties to be maximum. जिससे कि parties जो है वो मैक्सिमम हो सके। ट्वेंटी वन फ्रेंड्स है, उनमें से वो सेम नंबर ऑफ फ्रेंड्स हो सकता है, वन फ्रेंड को बुलाया, हो सकता है टू को बुलाया, तो कितने फ्रेंड को एक बार में बुलाया ये, जिससे टोटल नंबर ऑफ पार्टीज का हो मैक्सिमम। बनाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले पर भेज है। टेन और इलेवन ठीक है, नंबर ऑफ पार्टीज होंगे 21 सी इलेवन प्रॉपर्टी से ही। नंबर ऑफ फ्रेंड्स पूछा गया कितने फ्रेंड को बुलाएं, तो वो 10 और 11 ऐसे बोलेंगे। नंबर ऑफ पार्टीज नहीं पूछी गई इसमें, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, नंबर ऑफ पार्टीज मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन कितनी पार्टीज होंगी ये नहीं बताना है हमें, कितने फ्रेंड्स को एक बार बुलाना है ये बताना। तो अगर वो आर फ्रेंड्स को बुलाता है तो नंबर ऑफ पार्टीज विल बी 21 सी आर इफ ही कॉल्स आर फ्रेंड्स एट अ टाइम। लेकिन इसे मैक्सिमम होना है तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक ऑड है, इससे फॉर्मूला जाएगा 21 प्लस 1 बाई 2 और 21 माइनस 1 बाई 2 आर पार्टीज टू बी मैक्सिमम। आर विल बी 21 प्लस 1 बाई 2 R 21 minus 1 by 2 that is 11 R 10, तो उसे एक बार में या तो 11 persons call करने चाहिए या फिर 10 persons, तो total number of parties क्या होंगी maximum। Next लिखेंगे इसमें grid problem, इसके लिए कोई फॉर्मुला नहीं, जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन में ही आ जाएगा। जेई पॉइंट से देखें तो जेई में कभी नहीं आया है ग्रिड प्रॉब्लम, ये मैक्सिमम मिनिमम तो आ सकता है, आसान है, और बाइनोमियल में भी यूज होता है, ये भी आसान है, लेकिन आया नहीं है अभी तक। देखिए क्या है क्वेश्चन से ही समझते हैं। ऐसे इक्वल गैप पर कुछ वर्टिकल लाइंस बना लें, और ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लें। ये पॉइंट हो गया O, 0, 0, ये सभी लेंथ यूनिट लेंथ है, 1, 0 हो गया पॉइंट, ये होगा 2, 0, 3, 0, 4, 0, ऐसे ये 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, यहाँ एक पॉइंट 4, 5,
ठीक, सभी डिस्टेंसेस कितनी है, गैप यूनिट है। क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, इन विच एन आंट कैन गो फ्रॉम वन वन टू फोर फाइव, वन वन से फोर फाइव पे जाना, वन वन से फोर फाइव पर, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। देखिए क्या कंडीशन होती है जी, ओरिजिन से फोर फाइव पे जाना है, लेकिन केवल प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चल सकते हैं या प्लस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, ये सब लिखा रहेगा, मैं बोल रहा हूं। एंड कैन मूव ओनली इन प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन और प्लस वाई एक्सिस डायरेक्शन। प्लस एक स्टेप का मतलब उसका होगा एक हॉरिजॉन्टल स्टेप, मतलब जीरो जीरो से स्टार्ट होते हैं तो वो वन जीरो पे जा सकती है एक स्टेप में, और एक स्टेप यहां जा सकते हैं इधर जीरो कमा वन, डायगोनली नहीं जा सकते, केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे चल सकते हैं, यहां से फिर इधर चल सकते हैं, फिर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल किसी भी ऑर्डर में चल सकते हैं, दो स्टेप वर्टिकल चले फिर एक हॉरिजॉन्टल चले ऐसा कर सकते हैं, दो हॉरिजॉन्टल तीन वर्टिकल चल लिए, सभी फोर हॉरिजॉन्टल चले फिर वर्टिकल चलिए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि ये पहले इसके आगे चलेंगे फिर पीछे आ, आगे जाकर के फिर पीछे नहीं आ सकते, प्लस एक्स एक्सिस या प्लस वाई एक्सिस में ही चलना है, मतलब माइनस नहीं चलना, नहीं तो फिर तो इनफाइनाइट तरीके हो जाएंगे, ठीक है। और ये सारे जो मैंने बोला अभी आपको वो यहां लिखा रहेगा लैंग्वेज, उससे घबराना नहीं, ग्रिड प्रॉब्लम ये है। क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ पहले, किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन में? आंसर तो उसके बाद देखेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लें। और वन वन से यहां चलना, जीरो जीरो से नहीं है क्वेश्चन में, क्या है वन वन से, ये पॉइंट हो गया वन वन, यहां से वन वन पर एक चीटी है, उसको कहां तक जाना है, फोर फाइव तक जाना है, ये ना फ्रॉम वन वन टू फोर फाइव, वन वन से चलने में उसे कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, देखिए पहला स्टेप ये अगर वो हॉरिजॉन्टल चले फिर दूसरा स्टेप भी हॉरिजॉन्टल, थर्ड स्टेप भी हॉरिजॉन्टल, फिर यहाँ वर्टिकल, फिर वर्टिकल, फिर वर्टिकल, फिर वर्टिकल, कितने हुए स्टेप, सेवन स्टेप्स, सेवन स्टेप्स चले, थ्री हॉरिजॉन्टल और फोर वर्टिकल स्टेप्स अगर वो चलते तो कहां पहुंचे, फोर फाइव। अच्छा अब ये किसी भी ऑर्डर में, थ्री ऑर्डर में, मतलब पहला एच चले मान लो, फिर दो वर्टिकल चले, टू हॉरिजॉन्टल चले, फिर टू वर्टिकल चले, अभी देखो टू प्लस टू फोर वर्टिकल थ्री हॉरिजॉन्टल, इसी भी वे में चल रहा है, अगर थ्री एच चलते हो, थ्री एच और फोर वी इसी पॉइंट पे आओ, फोर एच कर दिया आपने या फाइव एच कर दिया, टू वी कर दिया, तब वहां नहीं जाओगे, तो इस थ्री एच और फोर वी को कैसे भी अरेंज करो, वन वन से पॉइंट आंट कहां पहुंचेगी, फोर कामा फाइव, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, आप इन सेवन लेटर्स को या तो आप अरेंज कर दो इधर तरीके से, सेवन फैक्टर थ्री अलाइक है थ्री एच, तो थ्री फैक्टर फोर अलाइक है फोर वी फोर फैक्टर, इन सेवन लेटर्स को ऐसे अरेंज कर लो, दैट इज सेवन सी थ्री थर्टी फाइव, या फिर आप ऐसे कर सकते हो सेवन में से हमने थ्री स्टेप सेलेक्ट कर लिए कि कौन से तीन हॉरिजॉन्टल है, रिमेनिंग क्या होंगे फोर वर्टिकल, और उसको इनटू फोर सी फोर में लिखोगे तो उसकी वैल्यू आनी है सेवन सी थर्टी फाइव, तो सेवन में से तीन हॉरिजॉन्टल और फोर वर्टिकल भी सेलेक्ट करो, सेवन सी थ्री सेवन सी फोर सेम होता है, या ऐसे आप अरेंज कर सकते हो, यही आंसर इस क्वेश्चन का, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, आप देख ले जिस पॉइंट से जहां तक चलना है वहां तक के लिए कितने हॉरिजॉन्टल और कितने वर्टिकल स्टेप्स हैं, उनको लेटर से जुम्बल है, ये अलाइक है ये अलाइक है, जैसे इनको अरेंज कर लें, या फिर टोटल स्टेप्स में से हॉरिजॉन्टल स्टेप या वर्टिकल स्टेप कोई एक सिलेक्ट कीजिए, वही नंबर आप ले से बताएं, कोई भी डाउट है इसमें तो
नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल है डी अरेंजमेंट, बीएमसी का लास्ट आर्टिकल है डी अरेंजमेंट, इंपॉर्टेंट है, जी में आ चुका है क्वेश्चन पर, एडवांस में भी आया है और मेंस में भी, ये लास्ट आर्टिकल है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं आप। तो ये आर्टिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास कल कंप्लीट करते हैं।